Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. ये पे गए बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. क्या बनना चाहते हैं टाइगर? फिल्म का वर्ल्ड वॉर से क्या कनेक्शन होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में. अगर आप भी दोस्तों सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए. जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि बॉलीवुड के एक्टर टाइगर श्रॉफ इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं और टाइगर अपनी अपकमिंग फिल्म रैम्बो के कारण तो और भी चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल पहली बार एक साथ देखने को मिलेंगे. अब जब टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल हैं तो इन दोनों को तो एक्शन स्टार्स के नाम में जाना ही जाता है. जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि 1940 या 1950 के दशक में एक्शन कैसा होता था. 1940 और 1950 के दशक में वॉर और काउबॉय फिल्मों की माध्यम से कार्रवाई को नए रूप में दिखाया जाता था. एल्फ्रेड हिचकॉक ने स्पाई एडवेंचर जॉनर की शुरुआत की, जबकि पॉपुलर क्रॉप डस्टर सीन और माउंट रशमोर फिनाले जो कि 1959 में आई थी, जिसे एक्शन ओरिएंटेड सेट पीसेस का उपयोग की स्थापना की. जब हम एक्शन की बात कर ही रहे हैं तो आज के एक्शन स्टार्स के बारे में तो सभी जानते हैं जिनका नाम है टाइगर श्रॉफ. क्या आप ये जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ ने जिस फिल्म से इंडस्ट्री में डेब्यू किया है वो फिल्म भी रीमेक थी. साथ ही उन्होंने आज तक जितने भी फिल्में की हैं, एक दो को छोड़कर उनकी सारी फिल्में किसी न किसी फिल्म का रीमेक ही रही हैं. ऐसा लगता है मानो शाहरुख की तरह टाइगर भी किंग बनना चाहते हो लेकिन उसके बदले वो बन रहे हो रीमेक किंग. वहीं अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म रैम्बो की तो इस फिल्म में हमें टाइगर एक नए रूप में देखने को मिलने वाले हैं. ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म रैम्बो की रीमेक है जैसा कि आप सब जानते हैं. फिल्म की कहानी हमें ले जाएगी वर्ल्ड वॉर के समय में, हालांकि इसमें हमें पोस्ट वॉर स्टोरी ज्यादा देखने को मिलेगी. कहानी शुरू होगी 1946 से, जब हमारे भारत को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी और साथ में वर्ल्ड वॉर 2 भी एंड नहीं हुआ था. उस टाइम की कहानी और सीन्स को भी फिल्म में दिखाया जाएगा. इस फिल्म में जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, टाइगर और विद्युत साथ में दिखाई देंगे. और जैसा कि आप सब जानते हैं रैम्बो एक हॉलीवुड फिल्म थी. इसकी फर्स्ट सीरीज 1982 में आई थी जिसका नाम था फर्स्ट ब्लड. क्या आप ये जानते हैं कि फिल्म रैम्बो के लिए टाइगर श्रॉफ ने पहले मना कर दिया था लेकिन आखिरकार उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनना ही पड़ा. साथ ही एक्शन लवर्स के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है और सोने पे सुहागा होगा कि इंडिया के दो एक्शन स्टार्स एक साथ जो नजर आएंगे. अब ये देखना है कि हॉलीवुड फिल्म रैम्बो की सेट की हुई बेंचमार्क को बॉलीवुड फिल्म रैम्बो कैसे तोड़ पाती है. वहीं टाइगर इस फ्रेंचाइजी में क्या काम कर पाते हैं ये हम देखते हैं और सिल्वेस्टर स्टालोन के चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी. तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. आज की स्क्रिप्ट लिखी है ज्योति कुमारी ने.